क्या आपको पता है बैंक में पड़ा हुआ आपका पैसा एक्चुअली अपनी वैल्यू खो रहा है, हर साल उसकी वैल्यू जो है कम होती जा रही है। तो हम पैसा सेव तो करते हैं बैंक में रखने के लिए, राइट? पर वो पैसे को एक्चुअली सेव किस चीज के लिए करना चाहिए और कैसे सेव करना चाहिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि जो महंगाई की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है उसको आप काउंटर कर सके गाइस। वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम सुनेजा एंड इस चैनल पे हम बात करते हैं गाइस पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। और आज का जो वीडियो है अपने टाइटल से और थंबनेल से गेस कर ही लिया होगा, यह है पैसा बचाने के बारे में गाइस। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं गाइस। तो चलिए बात करते हैं पहले कि हम पैसा बचाने की जब बात आती है तो ये पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना ही क्यों है, एग्जैक्टली ये मतलब माजरा क्या है, मुद्दा क्या है। तो पहले बात करते हैं गाइस महंगाई के बारे में। तो आपको पता है कि आपने इनफैक्ट अभी जो भी लास्ट ईयर से चलता आ रहा है उसमें नोटिस किया होगा कि जो चीजें 100 रुपए की बिकती थी लास्ट ईयर वो ये साल 120 रुपए, 130 रुपए। अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो कलिंगड़ जिसको बोलते हैं या वाटरमेलन जो है जो 60 या 70 रुपए का बिकता था, अभी वो 99 से लेके 120 रुपए का बिक रहा है एक ही साल में। तो अगर मेरे बैंक में 100 रुपए मैंने बचा के रखे थे या 80 रुपए बचा के रखे थे और मैंने सोचा था कि मैं आज से एक साल के बाद एक वाटरमेलन खरीदूंगा, 80 रुपए मैंने रखे हैं, आज आई कैन नॉट अफोर्ड दैट वाटरमेलन। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और बैंक में जो हमें 1.5-2% का मिजली इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे, वो ये महंगाई को जो है काउंटर नहीं कर पाता है। वो महंगाई को काउंटर करने के लिए वैसे भी होता नहीं है। तो बैंक में पड़ा पड़ा आपका पैसा लिटरली अगर बोला जाए तो सड़ रहा है, दैट इज द ट्रूथ गाइस। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हम कुछ पैसा सेव करते हैं एंड कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड हम इन्वेस्ट किस एम से करते हैं कि महंगाई मान लो 4% से बढ़ रही है या 3% से अगर बढ़ रही है तो मेरा जो पैसा है वो 10 से 15% से अगर ग्रो होगा तो मैं महंगाई को जो है टैक्स वगैरह पे करने के बाद काउंटर कर पाऊंगा। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा जो 100 रुपए है वो 200 रुपए बन जाएगा और महंगाई की वजह से 100 रुपए की चीज सिर्फ 130 रुपए की हुई होगी, तो नेट नेट मैं 70 रुपए और भी उस पर बना लूंगा। तो सेविंग्स का एक बहुत बड़ा जो एम होता है जो मैंने बहुत पहले सीख लिया था ड्यू टू मल्टीपल पीपल जिनको मैं फॉलो करता था, इनफैक्ट कुछ ऐसे फाइनेंशियल गुरुज है जिनके साथ मैंने काम किया जिसकी वजह से मुझे एक चीज समझ में आई। वो लोग एक कॉन्स्टेंटली एक चीज बोलते थे, नेवर सेव टू सेव, ऑलवेज सेव टू इन्वेस्ट मनी। उसका बहुत सिंपल सा फंडा उनका होता था कि यार आप 6 से 12 महीने का एक इमरजेंसी फंड कैश का बना लो अपने बैंक अकाउंट में, बाकी का पैसा आप इन्वेस्ट करोगे। उस 12 मंथ या जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किया है उसके बाद जितना पैसा आप बचाओगे वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इस रीजन की वजह से ताकि लॉन्ग रन में यू डोंट एंड अप लूजिंग योर मनी। नाउ आप में से बहुत सारे लोगों के साथ मैंने वो वाली इन्वेस्टिंग टिप्स शेयर की हैं, पर काफी सारे लोगों ने बोला कि यार हमारी तो इनकम ही इतनी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, या आपकी तरह नहीं है। ये मैंने बहुत सुने, काफी सुना है काफी लोगों से। नंबर 1, ऐसा नहीं होता। पैसा सबके पास है पर वो पैसे को हम कैसे खर्चा कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप 12,000 भी बना रहे हो यू कैन सेव सम मनी। तो उसका जो पहला रूल है, नाउ अब ये रूल कहाँ से आता है, ये रूल आपको किताबों में मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा। मैं मेरी स्टोरी एक बताता हूँ, मैं आता हूँ प्रोफेसर्स के एक लिटरली उस खानदान से, तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा बिजनेस वगैरह तो है नहीं किसी का। तो मेरे पेरेंट्स की मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा, दोनों पढ़ाते हैं एंड एक बचपन से सेव करो सेव करो सेव करो सुनता आया हूँ, बट प्रायोरिटी खर्चे से ज़्यादा सेविंग को दी जाती थी। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होता था कि जो इनकम आई है उसमें से पहले सेविंग करेंगे फिर बचे हुए पैसे से खर्चा करेंगे। उनके केस में ऑफ कोर्स जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, राइट, या जब आप एम्प्लॉई हो तो बहुत बार क्या होता है आपका जो पेंशन फंड है, ठीक है, चाहे वो PPF है, GPF है, whatever that is, उसमें ऑटोमेटिकली आपका डिडक्शन आप करवा देते हो, तो आपके हाथ में सैलरी ही वो कट के आती है बहुत बार, तो आपका सेविंग पहले हो जाता है, फिर वो जो हाथ में आया था उसमें से भी सेव होता था, बचे हुए पैसे का फिर खर्चा निकलता था बहुत बार, इफ आई एम राइट एंड इफ आई रिमेंबर इट राइट। तो ये फंडा बहुत ही सिंपल सा है जो हमें गलत सिखाया जाता है, क्योंकि एक एक कल्चर है कि खर्चा करो खर्चा करो, बचे हुए पैसे को आप सेव कर लो, विच इज नॉट हाउ इट शुड बी,
अगर मुझे पता है कि मेरी इनकम 20,000 रुपीज़ है तो पहले मुझे सोचना है कि मैं सेव कितना करूँगा। आई विल सेव 3,000 रुपीज़ या 4,000 रुपीज़ मुझे महीने का सेव करना ही करना है। दैट मीन्स मेरा पूरा खर्चा मुझे 16,000 में निकलना है। तो मेरे दिमाग में क्या होगा कि मैं 16,000 से 1 रुपया ज़्यादा ना खर्चूँ। अब अगर आप टैक्स के इनकम ब्रैकेट्स की बात करें, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। तो वट इज़ द फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट? इनकम माइनस सेविंग्स शुड बी योर एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये फॉर्मूला बहुत ही तगड़े से चलता है और मैं बहुत टाइम से फॉलो करता आया हूँ। एंड ये फॉर्मूला हमें अलाउ करता है जब क्राइसिस सिचुएशन आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, सर्वाइव करने में बहुत अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पहला टिप आप लोगों के लिए जो हो जाता है। दूसरा टिप गाइज, जो आप लोग बोलोगे यार शिवम बोहरा गया है, पागल हो गया है शिवम, ये क्या बोल रहा है। दूसरा टिप इज गाइज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। वॉट, बात तो सेविंग की हो रही है, क्रेडिट कार्ड मतलब खर्चा, सेविंग क्या लॉजिक है शिवम, पागल हो गया है क्या? नॉट एग्जैक्टली। क्रेडिट कार्ड गाइज, एंड नॉट जस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स जिनको आप, जिनके ऊपर आपको साल का फी भी देना पड़ता है कभी कभी। सो ये क्या फंडा है, उसका लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है गाइज। क्रेडिट कार्ड्स अभी आप देखो तो किसी, अभी भी इन जनरल क्रेडिट कार्ड्स किसी ना किसी तरह के कोलैबोरेशन में लॉन्च किए जाते हैं। सो वो क्रेडिट कार्ड्स का काम क्या होता है कि एक कस्टमर को लो, उसको एक मर्चेंट से जोड़ो, इन एंड वो जोड़ने के लिए जो तार या मार्केटिंग यूज की जाती है वो यूज किया जाता है रिवॉर्ड्स। तो यू एक्चुअली गेट सम रिवॉर्ड्स आउट ऑफ इट। इसका मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है, अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड है फॉर एग्जांपल, एक प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड आता है, वो अगर आप यूज कर रहे हो एंड आप साल का एक मिनिमम एक्सपेंडिचर मेंटेन कर रहे हो जो उस कार्ड का लिमिट है, तो नंबर वन उसका साल का 5,000 रुपए का फी माफ हो जाता है। नंबर दो, अगर आप वो करते हो तो आपके जो पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं उसके अगेंस्ट आपको हर साल 40,000 रुपए की प्लेन टिकट्स मिल जाती है। अगर आप ऐसे हो, ऐसे बंदे हो जो रेगुलरली डोमेस्टिक ट्रैवल करता है, 40,000 रुपीज अ ईयर ऑफ प्लेन टिकट्स, इट्स अमेजिंग राइट? यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। क्यों? जो आप खर्चा वैसे भी करने वाले थे वही सेम खर्चा करते हुए आपने पैसे बचा लिए। इसका एक एग्जांपल है, मान लो आपके घर में सब कुछ अमेजोन से आता है, आप अमेजोन पैंट्री से ग्रोसरी मंगाते हो, अमेजोन से शॉपिंग करते हो, सब अमेजोन से करते हो। तो अमेजोन और आईसीआईसीआई वालों का एक कार्ड है, वो कार्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको अमेजोन के परचेजेस पर डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, ग्रेट। तो आप जो खर्चा वैसे भी करने वाले थे, मान लो आप साल का 1,00,000 खर्चा करने वाले थे, वो 1,00,000 पे आपने और 5 से 6% बना लिया, तो आपने 5 से 6,000 और बचा लिया। आप बोलो यार ये 5,000 ही है, पॉइंट इज 5%, उसको अमाउंट में ना देखते हुए हमें परसेंट में देखना है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। आई रिमेंबर शायद SBI का कार्ड आता है BPL के साथ या ऐसे किसी चीज़ के साथ, तो अगर आपका जो ट्रैवल का रूट है स्कूटर पे या कार पे, ऑफिस का ट्रैवल का रूट है वो थोड़ा लंबा है और आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा जाता है, तो आप एक वो कार्ड ले सकते हो जिसका है कि 500 कुछ रुपए साल का वो होगा और महीने में आप उससे 2,000 या 2,500 रुपए का पेट्रोल कमा लोगे फॉर फ्री। तो आपका वो सेविंग हो जाता है एसेंशियली। तो जो आप 2,000 या 2,500 पेट्रोल पे वैसे भी खर्चा करने वाले थे, आपका वो बच गया एंड उसको आपने सेविंग अकाउंट में डाला और वहां से फिर इन्वेस्ट किया। तो ये आप देख सकते हो कौन कौन से अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं। बट डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दे देता हूँ, क्रेडिट कार्ड डेट से बड़ा प्रॉब्लम आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक बार उस डेट के चक्कर में फंस गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है और रिडिक्यूलस 50-50% के उसके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आप उसको हर मंथ टू द फुल पे कर रहे हो, क्योंकि अगर आप उसको पे नहीं करते हो तो ना ही आपको लेट पेमेंट चार्ज लगता है, पर उसके अलावा आपका जो पेंडिंग अमाउंट है उसका इंटरेस्ट प्लस फ्रॉम व्हाट आई नो आप जो नेक्स्ट महीने में खर्चा करते हो उसका 1 से 3% और एज अ फी चार्ज किया जाता है। अभी ये कौन कौन से कंपनीज में है और किस कंपनी का कितना परसेंटेज है वो आप चेक कर लो, बट इमेजिन आपने 5 महीने या 6 महीने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया, तो अगर आपने 20,000 रुपए का खर्चा जो था वो नहीं पे किया था, 20,000 रुपीज एंड आपने 6 या 7 महीने उसको नहीं पे किया, तो दैट 20,000 कुड वेरी इजीली बिकम 30-35,000 रुपीज जो आपको अपने क्रेडिट कार्ड वालों को वापस देने पड़ेंगे। बहुत रिस्की है पर अगर अच्छे से यूज किया जाए तो बहुत ही खतरनाक सेविंग्स व्हीकल हो सकता है क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट चीज, लास्ट जो टिप है गाइज वो मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज
कॉस्ट पर यूज। अभी ये कॉस्ट पर यूज का कॉन्सेप्ट मैंने काफी साल पहले सीखा था एक फैशन इन्फ्लुएंसर से। आपको अगर आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है तो मेरा हेल्पिंग मैन स्टाइल मेन एंड शूज और हेल्पिंग मैन स्टाइल डॉट कॉम नाम का एक मेन्स का फैशन ब्लॉग भी है जो मैं बहुत सालों से चला रहा हूँ। अभी खैर उस पर मैंने काम कम कर दिया है, तो वहाँ पे भी इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह पे 2.5-2.25 लाख लोग अभी भी हैं मेरे उस अकाउंट उन अकाउंट्स पे दोनों पे। तो उन पे मैं काफी टाइम से, मैं फैशन इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में काफी पहले से हूँ एंड यूएस बेस्ड इंडस्ट्री में काफी पहले से हूँ, बहुत सारे मैंने ब्रांड्स के साथ काम किया है। एंड वहां पे एक फैशन इन्फ्लुएंसर है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, रियल मैन रियल स्टाइल नाम का यूट्यूब चैनल है, बहुत ही बड़ा चैनल है, आई थिंक 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे उनके अभी, इनफैक्ट और भी शायद बड़े हो गए होंगे। एंटोनियो उनका नाम है, एंटोनियो सेंटेनो। वो एक चीज बोलते थे, वो बोलते थे यार कि लग्जरी आइटम्स जो होती है ना उनमें इन्वेस्ट करो क्लोदिंग में, क्योंकि उनका वैल्यू रिटेन होता है प्लस उनका कॉस्ट पर यूज बहुत ही अच्छा होता है। तो और ये बाय द वे मेरी वाइफ भी मुझे बहुत बार बोलती है। तो इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लो मैं जूते लेना चाहता हूँ, तो मैं जूते का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हम वो बात करते थे। तो अगर मैं 1,000 रुपये का जूता लेता हूँ जो मैं शायद 10 या 15 बार पहन पाया, मान लो मैं उसको 20 बार पहन पाया 1,000 रुपये के जूते को, राइट, अगर मैं उसको 20 बार पहन पा रहा हूँ और 20 बार पहनने के बाद टूट गया, खराब हो गया, थोड़ा कुछ हो गया, क्योंकि वो सस्ता है, उसका मुझे कॉस्ट पर यूज़ कितना पड़ा, 50 रुपये, राइट, पर जितनी बार भी मैंने पहना एसेंशियली मैंने 50 रुपये दिए क्योंकि 20 बार मैं पहन पाया। पर अगर इसकी जगह मैं 1,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये का जूता लूँ, कितने का, 5,000 रुपये का जूता लूँ, पर उसको मैं 20 की बजाय कितनी बार पहन पाऊँ, मान लो उसको मैं 100 बार पहन पाता हूँ, तो मुझे 100 बार पहनने के लिए 50 रुपये पर यूज देने पड़े, करेक्ट। 50 रुपये अगर मैं पर यूज दे रहा हूँ, विच इज द सेम पर यूज कॉस्ट जो मैं 1,000 रुपये के जूते के लिए दे रहा था, तो मुझे दोनों जूते एसेंशियली सेम प्राइस के पड़े हैं अगर मैंने पर यूज कॉस्ट देखा है। तो आप फाइनल कॉस्ट जो आपने पे किया वो नहीं देखो, आप देखो कि उसका लाइफ टाइम कितना है। तो मेरी वाइफ का मैं एग्जांपल आपको वही दे रहा था कि मैं बहुत बार ऐसा करता हूं पर्सनली, मुझे ऐसा है कि यार अगर कोई चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं एक लेवल लोअर क्वालिटी की ले लेता हूँ, राइट, एंड आई ऑलवेज गेट अ पॉइंट मेड बाय हर कि यार अगर पैसा लगाना है तो एक अच्छी आइटम ले लो सो दैट इट स्टेज फॉर लॉन्ग, जो बोलते हैं महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, मैंने खुद मेरे इसमें नोटिस किया। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को हर बार माउस का एग्जांपल देता हूं मेन चैनल पे भी, तो एक लॉजिटेक का मेरे पास सस्ता माउस है 3,500 का, वो लिया यूज किया, मतलब नहीं हुआ, वो बहुत जल्दी ऐसा वियर्ड सा बिहेव करने लग गया, 3,000। फिर फाइनली मैंने जाकर रेजर का लिया, वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मैंने लाइफ में भी नहीं सोचा था मैं 10,000 रुपये का माउस लूंगा, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट द पॉइंट इज वो 5-6-7 साल बिंदास चलेगा विदाउट गिविंग मी एनी इश्यूज व्हाट्सएवर। एंड जब मैं सारा दिन मतलब 18 घंटे दिन में मेरे कंप्यूटर पे हूँ तो मेरे हाथ में दुखता है वो लॉजिटेक वाले माउस से, इससे नहीं दुखता है, राइट। सो इट हैज टू डू ऑल्सो विद माई हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो कॉस्ट पर यूज फॉर द रेजर माउस, चाहे मैंने उससे लिटरली 3 गुना ज्यादा प्राइस दिया है, मुझे कॉस्ट पर यूज जो है कम पड़ रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो चीजों के बारे में ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। नाउ आई अंडरस्टैंड आप हर बार लग्जरी आइटम नहीं ले सकते, मैं लग्जरी आइटम लेने के लिए बोल भी नहीं रहा आपको, मैं बोल रहा हूँ कि आप देखो कि अच्छी क्वालिटी की आइटम कौन सी है, नॉट नेसेसरीली अच्छी क्वालिटी मतलब महंगा, बट बहुत बार होता है ये रिलेशन। तो अच्छी क्वालिटी की आइटम लो, तो चाहे आपको 2 महीना वेट करना ही पड़े, 2 महीना पैसा सेव करना पड़े उस गोल के लिए, साइड पे रखना पड़े पैसा, That item will last you longer and will help you much much more than the other stuff. Very very important and I think ये बहुत ही एक strong tip हो जाता है। Last जो tip है guys, actually bonus tip आप इसको समझ सकते हैं, which is कि जो छोटे खर्चे हैं, for example बाहर से चाय पीना, this इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप, जैसे आपने इंग्लिश वीडियोज में भी देखा होगा, कॉफी मत पियो, डोंट गो टू स्टारबक्स। लाइफ में अगर एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या किया, एंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक अलग परसेंटेज आप पैसों का अगर रख लो, जिसको आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग बोल सकते हो, कैसे करोगे, मैं बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आप 10,000 रुपये बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल एंड आप बोलते हो कि मेरी सेविंग्स 2,000 रुपीज की होंगी, तो आप सेविंग्स 2,000 की बजाय सेविंग 2,000 कर लो, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए 1,000 रुपीज रख लो और बाकी के 7,000 में अपना खर्चा निकालो। तो गिल्ट फ्री स्पेंडिंग होगा ऐसी चीजों के लिए जो आप बहुत मन से करना चाहते हो,
क्यों? क्योंकि दे मेक यू फील गुड, एंड इफ यू फील गुड यू आर पॉजिटिव ओवरऑल। आप ज़्यादा सेव करोगे, आप ज़्यादा अर्न करोगे, क्योंकि आप आपकी जॉब में भी खुश रहोगे। ये छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको आपकी जॉब में, लाइफ में खुश रखती हैं। एंड ये सेविंग टिप्स में लोग आपको बताते नहीं हैं, बट मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहा है, एंड इसका मुझे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट ओवरऑल देखने को मिला है। तो क्या है? सिंपल, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। अगर मुझे स्टारबक्स पसंद है, मैं महीने का एक थोड़ा सा बजट फिक्स कर लूँगा कि ये मैं स्टारबक्स पे लगाऊंगा एज एन एग्जांपल। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि उसको 300-300 रुपये हर महीने ब्ला ब्ला सोचते उसका लाखों करोड़ों बन सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के, पर हर जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वो जो गोली है ना, मुंह में ठूसने की जरूरत नहीं है गाइस। राइट, एंजॉय योर लाइफ बट ऑल्सो हैव अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन माई ओपिनियन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो, इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिला हो एज ओपोज टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल। इस वीडियो के कुछ पार्ट के लिए मैं थैंक्स एक्चुअली, सो कॉस्ट पर यूज वाला जो है फॉर एग्जाम्पल पॉइंट है, वो मैं इस वीडियो के लिए प्लान नहीं कर रहा था, बट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई आल्सो लुक्ड एट सीए रचना रानड़े का वीडियो, एंड शी हैड मेंशन दैट, एंड उससे मुझे एकदम से याद आया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए। तो डू चेकआउट हर चैनल, इसमें से पार्ट वीडियो का क्रेडिट उनको भी गाइज जाता है। सो दिस इज शिवम गाइज साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो एज ऑलवेज लाइक बटन पर मुक्का मार के सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइज। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, जब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, किसके बारे में, पैसा बढ़ाने के बारे में गाइस। चलो चाचा।